हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी अमू। सो आज का हमारा न्यू ब्लॉग, आप हमारे साथ बने रहना पूरे ब्लॉग में, बिकॉज हम कहाँ जाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गो गाइस। सो हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं हम थ्रू द बाइक जा रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, हमारे पीछे रीता भी है, आप देखिए पीछे वाली बाइक में रीता है, अनीता है, नम्पी है, और हम रीता के भाई लोग हैं, मतलब हमारे भी भाई लोग हैं वो लोग। सो हम लोग जाने बहुत दूर सिर्फ खाने के लिए। सो लेट्स गो, आपको दिखाऊंगी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ओके बाय। सो अभी आपको मैं दिखाऊंगी जहाँ पर हम जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर है वो, लिटरली हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, तब तक आप प्लीज़ बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ। मैं होप करूँगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, आई विल ट्राई आउट। सो ये यहाँ की लोकल मार्केट है, आप देख सकते हैं छोटू सा मार्केट। सो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ कितने बड़े बड़े पहाड़े दिखते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे डर तो लग रही है बिकॉज मैं बाइक में बहुत कम बैठती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है बाइक से, बट फिर भी मैं हिम्मत बना बना के बैठी हूँ। और अभी देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप देख सकते हैं पीछे से, आई थिंक इसमें रीता है, आई थिंक नहीं नहीं सॉरी इसमें नहीं। अभी आप पीछे देखेंगे रीता लोग बहुत पीछे हम लोगों से, अपना छोटे भाई आगे चले गए हैं। अभी आपको दिखाने आ रही हूँ बहुत डेंजरस वाला लोकेशन है। मैंने कहा था ना आपको बहुत डेंजरस वाले लोकेशन पे जा रहे हैं, बट ये अभी कुछ भी डेंजरस नहीं है, ये तो बहुत कम डेंजरस है, ना के बराबर। अभी हम बहुत खतरों के किनारे वाले, बहुत जो यू नो बहुत डेंजरस वाला लोकेशन है, वहाँ तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी बहुत दूर है। देखो बंदर, ये तो बहुत छोटा ना डेंजरस लोकेशन है, ये तो बिल्कुल डेंजरस है ही। अभी आपको दिखाती हूँ मैं डेंजरस किसे कहते हैं। सो बब्बी और अनीता आगे पहुंच गए हैं, और रीता मोटी जो है वो पीछे ही रह गई है। सो अभी ये लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आई थिंक रीता भी कर रही है। सो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बीच बीच के दिखाते रहूँगी, बिकॉज ऐसे अगर दिखाऊँगी ना, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता तो बहुत ज़्यादा यू नो लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं बीच बीच में दिखाते रहूँगी, ठीक है? तब तक आप प्लीज़ इन्जॉय कीजिए। सो अभी रीता भी आगे चली गई है, और नम्पी और अनीता भी आगे चले गए हैं। अभी देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है व्यू। ओके
सो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पीसफुल एरिया है ये, आई एम राइट, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला, बहुत शांति यहाँ पे लोकेशन मुझे दिखा। अभी मैं सोच रही हूँ अगर मुझे यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा तो मैं उनसे मांग लूँगी खाना। सो आप देख सकते हैं मस्त वाली धूप भी आई यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है क्योंकि हम जितने ऊपर पर पहाड़ पे जा रहे हैं ना उतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है हम लोगों को, बट सनलाइट है तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रीता बता कहाँ आए हम लोग? ये लोकेशन तो हमें भी नहीं पता लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये है झोपड़ी झोपड़ा झोपड़ी सारू की यहाँ पे रोड में चलते चलते वीडियो बनाएंगे, एक साथ इनको बनवाएंगे। हाँ अनीता व्हाट इज दिस व्हाट, चलो उनको बोलते हमारे वीडियो बनाएंगे। वो
दीपा की तरह तो अभी हमें यहाँ से और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज़ हमारे लोकेशन से माइट बी विद इन 20 to 25 मिनट अभी और दूर है सो सो मेरे पीछे रीता लोग आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और ये लोकेशन में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा बहुत ज़्यादा धूप आई उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था माय गॉड बहुत ठंड थी यहाँ पर फाइनली हम अपने लोकेशन पर आ चुके हैं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बहुत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर See the view, guys. So, guys, आप मुझे बताइए आपको ये लोकेशन पसंद आया कि नहीं आया अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को पसंद आया ओके बाकी आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया आप देख सकते हैं कितना डेंजरस लोकेशन है सीरियसली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बट इन्जॉय भी बहुत किया सो हम लोगों ने खाना खा लिया अभी हम वापस रिटर्न होने वाले हैं आपको मैं एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे सुंदर वादियाँ हैं सो गाइज इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जो मेरे इस वीडियो को चेक कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं न्यू मेंबर तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय